डंडे मारेंगे। चलिए सर। गुड आफ्टरनून सभी को, और क्या हाल है सभी की भाई? तो मेरा भी बढ़िया है, और मैं आज सुबह नहीं उठा हूँ, दोपहर में उठा, शाबाश बेटा, एक वीक बजे, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सोता रह गया। मम्मी भी शायद पापा छोड़ा है मम्मी को, मुझे नहीं उठाया गया, कोई उठाया ही नहीं मुझे कि मैं मम्मी को लेके जाऊँ या कुछ काम के लिए उठाया गया, किसी ने नहीं डिस्टर्ब किया मुझे। गार्डन गार्डन हो रहा है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने मुझे उठाया नहीं, और मैं एक बजे तक सोता रहा। और अभी पता चला कि, और मैं वैसे भी मैं कि आज कॉलेज गया नहीं, सोचा कि आज गैप दे दूँ, और मुझे अभी पता चल रहा है कि कल भी छुट्टी है, कल कुछ है। सुकून का नाम सुना है? तो जिसके वजह से कल भी छुट्टी है, तो मुझे और खुशी की प्राप्ति हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल भी छुट्टी है, दो दिन का मुझे गैप मिल गया, तो बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, हरदम होना चाहिए। फिर मैं कुछ खा पी के अभी आया हूँ छत पे। और कोई काम धंधा है तेरे पास? थोड़ा सोच रहा हूँ मौसम का आनंद ले लूँ, धूप वूप तो है नहीं, आज धूप नहीं निकली है, हल्की हल्की बूंदे भी पड़ रही हैं बारिश की, तो सोचा चल के थोड़ा थोड़ा। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। आज मैं घर पे हूँ और मेरे पास इस टाइम कोई काम बचा नहीं है, तो मैं जानते हैं क्या कर रहा हूँ अपना टाइम पास करने के लिए। सामने मिट्टी पड़ रही ना, तो ट्रैक्टर टाली आ रहा, तो जब जब ट्रैक्टर टाली आ रहा है तो मैं बैठ के टाली गिन रहा हूँ कितना टाली मिट्टी आई। अभी तक 5 टाली मिट्टी आई है, और मैं देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं, तो फिर मैं यही बैठ के देख रहा हूँ यहाँ, इसीलिए दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ कि जैसे टाली आए तो मुझे पता चल जाए और मैं गिनना शुरू कर दूँ। मैं टाली देखते देखते परेशान हो गया, पांक। और मुझे अपनी बालकनी में कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब वैसे ही पौधे इधर उधर लगे हुए थे, वो थोड़ी गंदी भी लग रही थी, बाउंड्री वाउंड्री पर धूल जमी हुई थी, तो बहुत दिन से साफ सफाई किया नहीं था, तो आज सोचा साफ सफाई कर लूँ, और शुरू मैंने कर दिया साफ सफाई। पेड़ वेड़ इधर उधर कर देंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे चेंज हो जाता है ना कुछ, तो अच्छा लगता है, तो मैंने सफाई शुरू कर दी है, देख रहे हैं। वो मैंने ये वाला पेड़ जो है यहाँ पे लगा हुआ था, इधर यहाँ पे लगा दिया, देख रहे हैं कितने अच्छा लग रहा है, 2 ईंटें रख के, और ऊपर साफ भी कर दिया वहाँ तक। फटाफट से इनको मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। मैं नहा चुका हूँ क्योंकि सफाई वफाई किया यार, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, पूरा बाल वाल गंदा हो गया था, पूरा हर एक चीज़ गंदा हो गया था, तो ये देखिए सफाई कैसी की, सफाई हो गई है, और चल रहे हैं मम्मी को लेने। मम्मी भी आ गई, तो अभी कॉल की थी कि आ जाओ मुझे लेने, तो चलें मम्मी को लेके आएँ। फिर निकल चुके हैं मम्मी को लेने, मम्मी का कॉल आया था मतलब अभी, तो कहीं एक सुरेंद्र नगर आ चुकी है, तो पापा कहें कि जा कर के ले आओ, मतलब वो काफ़ी दूर है तो जा नहीं सकते स्कूटी से, तो हम लोग निकल चुके हैं, तो बस पहुँचते हैं थोड़ी देर में, फिर मम्मी को लेते हैं ब्लॉग में। हम लोग आ चुके हैं मम्मी को लेके, और मम्मी आते ही काम में लग गई, प्याज वगैरह छील रही हैं, और शाम हो रही है, अब सबके वहाँ पूजा पाठ चल रहा है, मंदिर में भी पूजा हो रहा है, मेरे वहाँ भी पूजा हो रहा है, दीदी पूजा वूजा कर रही है नहा धो के, और मम्मी हमारी काम कर रही हैं, आते ही देख रहे काम में लग जाते हैं मेरी मम्मी, ये प्याज भी अच्छी लग जा, ये ऋतिक बैठ के जो काम करता है वही कर रहा है।
सब लोग अपने अपने काम में बिजी, यहाँ पूजा चल रहा मेरे वहाँ। तो पूजा पाठ हो जाए उसके बाद जो छीला विला जा रहा तो खाना वाना बनेगा। रात की बज रहे हैं 9:50 और यार मुझे बस नींद आ रही क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बाहर सफाई की, मम्मी को लेने गए हैं, ये वो बहुत काम किया। खा वाली अभी है मैंने, मेरा पेट फुल हो चुका है टंकी। और भैया ड्यूटी चले गए थे और आज अपना टिफिन नहीं ले गए हैं, तो फ़ोन किए थे कि जो भी बनेगा तो वही टिफिन उनको लेके जाना है। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है लेकिन खाना पहुँचाना, क्योंकि यार लेट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है उनकी, तो वो भी भूखे होंगे। तो चलिए फटाफट मैं रेडी हूँ चलने के लिए, भैया के पास जाना है तो मैं रेडी हूँ। हेलमेट वगैरह बहुत ज़रूरी है लगाना। ये बड़ी अच्छी बात कही यार लगाना, क्योंकि अपनी भी सुरक्षा और पुलिस से भी सुरक्षा, नहीं तो पुलिस बहुत डंडे मारेगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं। पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे और भैया को कॉल कर दिया था, आ रहे हैं, बस खाना वाना दे दे फटाफट से और निकलते हैं फिर घर की तरफ। यार काफ़ी लेट हो गया है, रात हो गई है। अच्छा आ रहे हैं भैया हमारे, दे दे खाना फिर चलते हैं। तो अपुन ने खाना दे दिया और फिर अपनी स्कूटी और मैं चलते हैं फिर घर की तरफ। फाइनली पहुंच गया अपने घर और मौत को अपने हाथ पे लेके चल रहा था। मौत को क्या कि ये था कि स्कूटी में बिल्कुल तेल नहीं था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं चला जाऊंगा और चलाऊंगा, तो स्कूटी ने मेरा साथ दिया। रात में इतना अंधेरा हो रहा था यार, हर जगह ऐसी सी गलियां, तो मैं उन सब गलियों को पार करते हुए अपने घर चलाया और स्कूटी ने मेरा साथ दिया कि बंद नहीं हुई कहीं। तो मैं आ चुका हूँ घर और बहुत थक चुका हूँ, तो जल्दी सोने का प्लान कर। मेरे वहाँ गेट रेडी फॉर सोने के लिए सब लोग तैयार हैं। क्या बोला तूने? तो इसीलिए ये मेरे घर वाले ना सब सोते रहते दिन भर, मम्मी वहाँ जब ड्यूटी नहीं रहेंगी तो ऐसी फैली रहेंगी। oh, no! सोया करेंगी और सब लोग सोते रहते हैं, तो वही आदत जो है मुझे भी लग चुकी है। चल झूठा, ये कि मैं दिन भर सोता रहता हूँ, आज 1 बजे उठाऊँ ऐसे ही सो के उठता हूँ और फिर से मैं जा रहा हूँ सोने। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हमारी वीडियो देखते रहिए आप लोग।